सोचा था कि गोलगप्पा भी घर पे बना के खाएंगे। नागो नीले ही खावा है, छोड़ दो। तो हम गए थे रिलायंस, जो घर का थोड़ा मतलब हर रोज का सामान है यही कुछ थोड़ा बहुत लाना था, वही लाने के लिए गए थे। अभी वापस आए थे, बहुत जरूरत तो कुछ था नहीं, बट मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती, घर पे अकेले बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, तो इसलिए मैंने उनको बोला कि मुझे भी लेके चलो और थोड़ा बहुत जो मन होगा शॉपिंग करेंगे। वैसे मुझे चॉकलेट लेना था अपने लिए, कभी कभी मुझे चॉकलेट खाने का बहुत मन होता है, चॉकलेट इज माय ऑल टाइम फेवरेट, तो वही लाने के लिए गए थे। और साथ में छोटा मोटा दो चार चीजें वो भी उठा लिया, चाय पीते चाय के साथ खाने के लिए, मैं नहीं खाती ये सब, अच्छा लगता है उनको। और ब्रेकफास्ट के लिए लाया बनाना, ब्रेकफास्ट के लिए एग्स, और फिर इसमें है टमाटर जो हर सब्जी में जाता है, मैं जो भी बनाती हूँ टमाटर जरूर डालती हूँ। और ये है ब्राउन ब्रेड, अनफॉर्चुनेटली ये ब्राउन देखने में है पर ये ब्राउन ब्रेड एक्चुअली है नहीं, ये है देखो इंग्रेडिएंट पे लिखा है रिफाइंड व्हीट फ्लावर, मतलब होल व्हीट फ्लावर ये नहीं है, बट फिर भी क्या करें, ज़रूरत था, लाना पड़ा ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और लाल मिर्च, एंड दिस इज माई फेवरेट चॉकलेट, फाइव स्टार और स्निकर्स। ये है क्या बोलते इसको, चना। और कुछ है, वेरी इंपॉर्टेंट प्याज, खोल के दिखाई देते अंदर से कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्याज। और ये है श्रीखंड, ये कौन सा फ्लेवर है, केसर। कुछ मीठा खाने का मन होता है, मतलब स्वीट का जब बहुत ज्यादा क्रेविंग होता है तब मैं ढूंढती रहती हूँ कि मैं क्या खाऊं, तो इसीलिए मैं लाके फ्रिज में रखती हूँ, जब मन होता है उठा के थोड़ा सा तो खा ही सकते हैं। बस लेके जाना है ऑफिस में, वो ब्रेकफास्ट पहले नहीं करते थे, वो बोलते थे कि मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना, डायरेक्ट लंच कर लूंगा मैं, तो मैं वही देती थी। बट अभी क्या है ना, वो जल्दी वापस आ रहे तो घर वापस आके लंच करते, तो उन्होंने बोला कि नहीं मेरे लिए ना तुम ब्रेकफास्ट दे दिया करो, और मैं वो बहुत ज्यादा टाइम किचन में रहना पसंद नहीं करती, जो फटाफट हो जाता है मैं उसी से काम चलाती हूँ, इसीलिए ये ब्रेड एग्स ये सब बनाना ये सब तो ज्यादा कुछ करने का एफर्ट नहीं डालना पड़ता है, इसीलिए मैं यही सब कुछ लाया। मंगल का मिष्टी दोई जो है उसका नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, तो श्रीखंड मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, मैंने पहले कभी नहीं खाया क्योंकि बंगाल में कभी सुना ही नहीं ये नाम श्रीखंड होता क्या है, तो अच्छा लगा, ठीक ठाक है, बट मिष्टी दोई खाने वाले लोगों को उतना पसंद नहीं आएगा, एकदम फ्रैंकली बोल रही हूँ, क्योंकि इतना भी कुछ खास नहीं है, इसका एक अलग फ्लेवर जो इसमें दिया हुआ है उसी का फ्लेवर आएगा, जैसे कि ये केसर का ही फ्लेवर आ रहा है, बट मिष्टी दोई इज एन इमोशन, ओ माई गॉड। मैं जब मतलब कोलकाता जाती हूँ ना, तो पहले मैं शादी से पहले जब कोलकाता में रहती थी तब मैं बिल्कुल नहीं खाती थी, मुझे मीठा पसंद ही नहीं था, तो अभी जब मैं इधर आ गई ना, इतनी दूर आ गई, तब मैं बहुत मिस करती हूँ, और मिष्टी दोई रसगुल्ला तो ओ माय गॉड। मैं बस अभी वॉकिंग करके वापस आई, अभी गोलगप्पा पार्टी होगा, मतलब पानी पूरी, अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम है इसका, जैसे हम बंगाल में इसको फुचका बोलते हैं, मुंबई में पानी पूरी, और ज्यादातर जगहों में तो गोलगप्पा ही बोलते हैं, तो आज वो खाने वाले हैं बहुत दिन के बाद, तो देखते रहे। एक्चुअली आज सुबह से हमारा प्लान था कि आज हम लोग गोलगप्पा पार्टी करने वाले हैं, मतलब बहुत दिन से मुझे मन था, जब से मैं कोलकाता से वापस आई तब से मैं एक भी दिन गोलगप्पा नहीं खाया, तो मुझे बहुत मन था कि एक दिन तो खाएंगे गोलगप्पा, पर बाहर नहीं जा सकते अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो इन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, जो पैकेट गोलगप्पा ये खरीद के लाते हैं, फिर आलू जो ये इमली का पानी ये सब खुद घर पे बना देना, तो मैंने बोला कि ठीक है चलो, आज तो यूट्यूब के जमाने में हर कोई सीख सकता है, तो मैंने भी वही किया। पर ये जो है ना चना, इसको मैं भिगोना भूल गया, और फिर मैं जब वॉकिंग पे जा रही थी मतलब शाम को 7 बजे करीब, तो मैंने इसको भिगोया और ठीक से ये ना हुआ नहीं, बट
फिर भी मतलब थोड़ा हार्ड हार्ड है, हो जाएगा मतलब ऐसा कुछ नहीं। चलो मिला देते इसमें। इसमें मैंने आलू, नमक, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा धनिया पत्ता और कुछ डाला। हाँ थोड़ा इमली का वो भी डाल दिया थोड़ा सा, ताकि थोड़ा एक खट्टास जो है इसमें आए। और कुछ है? चलो मिला देते। और गुजरात में आने के बाद वो हम बोलते थे ना डुंगरी डालो भैया, डुंगरी मतलब प्याज। क्योंकि यहाँ का जो सच बताओ तो हमें पसंद नहीं आता, वो हमारा पर्सनल वो है, ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ का जो आलू होता है बिल्कुल टेस्टलेस लगता है हमें, तो हम बोलते हैं भैया इसमें थोड़ा डुंगरी डाल दो। पहले तो हम जब नए नए आए थे इधर तो प्याज डाल, हाँ वो क्या है? तो फिर उन्होंने बोला अच्छा डुंगरी, तो तब जाके पता चला कि गुजराती में इसको डुंगरी बोलते हैं। तो फिर उसके बाद हमारा ना आदत पड़ गया था, जब भी हम गोलगप्पा खाने जाते थे भैया डुंगरी डालो, पहले तो डुंगरी डालो, नहीं तो ऐसे तो खा नहीं पाएंगे। और हम जैसे इमली का पानी मतलब इसके साथ मिला के खाते, वो लोग कैसे क्या क्या था उसमें, पुदीना था, पुदीना वाला पानी, लहसुन वाला पानी, क्या सब कैसे मतलब हमें अच्छा नहीं लगता, लोगों को अच्छा लगता होगा बट हमें पसंद नहीं है, इसीलिए घर में बना के खाना ही बेटर है। चलो इसको क्या बोलते हैं, इसको मिक्स कर लेते हैं, डुंगरी भी इसी के अंदर ही डाल देते हैं, और अगर जरूरत हुआ तो थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। ये थोड़ा बंगाली गुजराती स्टाइल हो रहा है, हमारे उधर प्याज नहीं डालते। किसमें? उसमें सॉल्ट डाला था ना आलू में। हाँ। फिर से तुमने सॉल्ट डाल दिया? अरे कम था, खाके देखो इसलिए मुझे ज्यादा लग रहा है। अभी बोला क्या ठीक लग रहा है? तुम्हें क्या जरूरत था डालने का, तुमने पूछा अभी? तुमने जब तैयार किया, तैयार करने के बाद क्या बोले? अच्छा अच्छा बना। जब मैंने बोला नमक डाला मैंने, नमक अब खाके देखो अच्छा अच्छा लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मैं बना के दूं? दो। फुचका वाली आंटी, फुचका वाली इतना हाँ थोड़ा थोड़ा करके, और पानी खुद से डुबोना पड़ेगा। मेरे लिए माय फेवरेट बेबी फुचका, फुचका नहीं गोलगप्पा। हाँ। कैसा लगा ऑनेस्ट रिव्यू? अरे तुम तो दिखाई नहीं दे रहे उसमें, अब ठीक लग रहा है। हाँ क्योंकि ये खुद ने डाला ना, इसको नमक को लेके ये इतना पैनिक हो जाता है, एक चम्मच आधा चम्मच भी अगर नमक ज्यादा हो, इतना नमक कैसे खाएंगे ये वो। अभी इसने खुद डाला ना इसीलिए अच्छा लग रहा है। अगर ये मैं डालती ना, नहीं मैं तुम की बात नहीं है, बैलेंस करो खाना बनाने में, तुम की बात है, अगर ये मैं डालती तो बहुत गलत हो जाता। गोलगप्पे खाओ, कैंचा मत करो। डॉक्टर राजेश श्याम ने फुचका कैपिटल का हमारे बोलते ना, हाँ हाँ हाँ, हमारे उधर जहाँ पे हम रहते हैं तो वहाँ पे ना एक मिठाई का बहुत फेमस दुकान है रोशोराज, उसके सामने एक गोलगप्पा वाला आते हैं, तो उनके पास जो गोलगप्पा है वो मेरा फेवरेट है। मैं जिस दिन कोलकाता पहुंचती हूँ उस दिन शाम को कुछ खाओ या ना खाओ, घर पे खाना खाओ या ना खाओ, वहां का गोलगप्पा तो मुझे खाना ही है। जब मैं बहुत सीरियस वेट लॉस जर्नी में थी तब भी जाके कुछ नहीं खाऊंगी चलेगा, पर वो गोलगप्पा मुझे एक आधा दिन खाना ही है। मजा आ गया, पानी का थोड़ा हुआ नहीं, पानी वाला वो वाला फीलिंग्स नहीं, लेकिन बिना पानी का ज्यादा अच्छा चल रहा है। अगली बार जब बनाएंगे ना ये पानी वाली छोड़ो, बिना पानी का ज्यादा अच्छा। साइज देखो, इतनी सुंदर एक ऑथेंटिक गोलगप्पा, इतनी सुंदर एक गोलगप्पा वाली आंटी आपके सामने बैठी है। गोलगप्पा वाली आंटी देख आ रही है, मैं तो खुद लेके खा रहा हूँ गोलगप्पा। सुंदर आंटी थोड़ी ना गोलगप्पा खिला सकते आपको, आप बोलो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। ये आंटी कैसी लगी आपको? आंटी भी तो मस्त है एकदम, ना मैं कमेंट में एक बंदे ने बोला कि मैं तुम्हें क्या तुमसे मैं शादी करना चाहता हूँ। मैं आपसे मुझे प्यार हो गया, आपसे मैं शादी करना चाहता हूँ। मैं बोला अरे बेचारा तो बहुत लेट कर दिया, ये तो विश्वास छोड़ेंगे नहीं तो खमोड़ी भी खुल जा लेते हैं। तो अगर ऐसा है आपको नमक ज्यादा लग रहा है तो मतलब आप समझ लेना उसके पसीने से ही आया है। पसीना एक करके बंदे ने गोलगप्पा बनाया हुआ। खिला मुझे बनाकर।
बनाना क्या? ओ मैं पानी नहीं गिर, अरे छोटा ही तो है अंकल, और तीखा डालो, और तीखा डालो, बहन तुम्हारी बहन और तीखा डालो, हाँ मेरी बहन, और तीखा डालो, और तीखा डालो, वो रोएगी लिटरली, ऐसे उसके आग से पानी आता है, सब लोग देखता रहता है, लगता है जीवन की जरूरत है भी नहीं है ना, मैं नहीं करने वाली, बहुत सारा कैलोरीज है, मिर्ची पाउडर डालो इसमें, खाली पेट नहीं कुछ खाके सो जाने का दिक्कत करेगा, कल सो रहा हूँ यार, आलू है नहीं चाहिए कुछ, आप लोगों को कैसा लगता है गोलगप्पा जरूर बताना, नींबू बूंदी खर्च ना, कभी भी इनवाइट कर सकते हो मुझे गोलगप्पा खिलाने के लिए, आई एम ऑलवेज रेडी, जब भी बुलाओगे गोलगप्पा खाने के लिए आ जाएंगे, अगर आप मेरे से बेहतर बनाते हो कैसे भी बनाते हो बस दे देना मैं खा लूंगी, अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है कि कैसे बना सकते हैं ये जो ऑथेंटिक टॉक जॉल मतलब इमली का पानी, खट्टा पानी, तो अगर आपके पास है रेसिपी या फिर आपके पास आइडिया है कुछ अच्छा सा तो बताना, नेक्स्ट टाइम वैसे ही ट्राई करेंगे, वैसे मुझे खट्टा चीज पसंद ही नहीं है, कोई भी खट्टा मुझे वो फ्लेवर ही पसंद नहीं, मत जाओ प्लीज, क्या मत जाओ प्लीज, मुझे अकेले छोड़ के चला गया, तो ये गोलगप्पा तो वैसे हेल्दी नहीं है क्योंकि वो फ्राइड है और ऊपर से आलू भी है इसमें, तो वो खा लिया अभी मुझे बहुत मतलब वो लग रहा है कि यार मैंने क्यों खाया, चलो ठीक है ऐसे लग रहा है, अभी ये विश्वास इतना मतलब बोल रहा है कि मटन बनाओ, अभी उनको मटन भी खाना है, इतना सारा गोलगप्पा खाने के बाद कोई बंदा कैसे खा सकता है मटन, वीडियो कट ची वीडियो ঘাসের মেশিন চলেছে, ঘাসের মেশিন बीच में वीडियो कॉल आ गया था और हम गांधीनगर में जिन लोगों के साथ बहुत क्लोज थे कुछ फैमिलीज, उन लोगों ने हमें वीडियो कॉल किया, मतलब एक ग्रुप जो वीडियो कॉल होता है, बहुत मजा आया, उसका मैं क्लिपिंग भी डालूंगी इसमें, बस एंजॉयमेंट, वो बंगाली में आपको हो सकता है समझ में ना आए, बट ये मैं ब्लॉग में जरूर रखना चाहती हूँ बिकॉज आई एम गोइंग टू मिस देम, ये गांधीनगर छोड़ के तो हम जा रहे हैं कुछ दिनों के बाद, तो तब बहुत मिस करेंगे, तो इसलिए मैं वो क्लिपिंग इसमें जरूर डालूंगी, और उन लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया, बहुत किया एक्चुअली हमारे लिए, ये बोलने में मुझे, मैं एक दूसरी बार सोचती भी नहीं है बोलने के लिए, बहुत हेल्प किया, हमें बहुत प्यार भी करते हैं हम लोग उनसे, उन लोगों से काफी जूनियर है, बट कभी ऐसा मतलब लगा ही नहीं कि हम लोग कोई दूसरे हैं, हम बस फ्रेंड्स हैं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, एकदम अपनापन जिसको बोलते हैं, शादी के बाद मैं जब पहली बार गांधीनगर में आई थी तो उस टाइम क्या था, ये लोग बहुत अपनाया हमें, बहुत हेल्प किया, बहुत सारे याद है, कुकिंग कर रही थी तो मैं छोड़ के चली गई कि नहीं मुझे ये वीडियो कॉल अटेंड करना है, मैं मुझे इन लोगों से बात करना है, बहुत दिनों के बाद देखना है, मैंने थोड़ा सा जिंजर गार्लिक वो मैं घर पे ही बना लेती हूँ, मैं रेडीमेड वाला नहीं यूज करती, वो थोड़ा मटन के साथ मैरिनेट करके रखेंगे 15-20 मिनट, टमाटर जिंजर गार्लिक और क्या, हाँ थोड़ा सा गरम मसाला, खारा जो मसाला होता है जैसे कि इलायची दालचीनी ये सब एक साथ पेस्ट करके इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ देंगे, हमें मटन थोड़ा तीखा तीखा पसंद है तो इसीलिए मैं इसे लाल मिर्च ही यूज करती हूँ और थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में, मुझे पानी भी भरना है क्योंकि फ्रिज में जो पानी हम रखते हैं वो खत्म हो गया, जितना भी ठंडा पानी था वो खत्म हो गया, बार इतना गर्मी है ना, बार बार निकाल रहे पी रहे और बाद में भूल जाते हैं कि नहीं और भी एक बॉटल फिल करके रखना है, तो अभी देखा मैं गई थी एक बॉटल लेने के लिए, देखा कि पानी खत्म, अभी विश्वास पहले ये सब करता था मतलब पानी भर के फ्रिज में रखना, अभी वो कुछ नहीं करते, बिल्कुल मुझे हेल्प नहीं करते, बहुत बदमाश है, तो क्या करूं, वो अभी चल रहा है कुकिंग, तब तक मैं पानी भर लेती हूँ, खुश हो जाओ अब, वाओ, डोंट ओवर रिएक्ट ठीक है, सच सच रिव्यू देना है, अरे मटन
एक तरफ, दुनिया एक तरफ। तो कच्चा दे दू खा लोगे? रिव्यू मतलब हाँ, तुम्हारे पकाने का जो रिव्यू वो मैं देता हूँ, जो एज लाइक वो क्या बोलता है उसको, फूड ब्लॉगर। क्या खा रहे हो दिखाओ? ग्लोइंग, बेमिसाल, शानदार, जबरदस्त, फाटाफाटी। मांझी मूवी में कौन कौन सा डायलॉग था, सब कुछ फाटाफाटी फाटाफाटी। तुम्हारा हेयर स्टाइल ना सच में बहुत बेकार है। तुम ही तो काटे हो। तो क्या चेहरा किसका है? जोकर बना दिया लोगों ने। अच्छा एक बात, हर कोई बोलता है कि तुम ऐसे व्लॉग में ऐसे कपड़े में क्यों आते हो, देखो कैसे सैंडो गेंजी पहन के बैठे हो। घर में हो ना, तो घर में तो लोग यही पहनते हैं। नहीं तुम भी तो पहने रखे हो। क्या तुम इसको स्पेगेटी बोलते हो, हम इसको सैंडो गेंजी बोलते हैं, एक ही बात है। स्पेगेटी सुनने में थोड़ा अमीर लगता है ना। और मैं गरीब आदमी हूँ ना। मैं गरीब आदमी हूँ बाबू, मैं तो गरीब आदमी। शाम से चल रहा है पता है, मेरे घर में हमेशा ये बेडरूम है ना लॉक करके रखती हूँ, इनको मूवी देखते हैं। क्यों अब क्यों बंद किया? चलाओ सॉन्ग। कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा ना ये डिशुम डिशुम आवाज में, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा शायद। मुझे ना सर दर्द होता है सच में, मैं इस दरवाजे को लॉक करके रखती हूँ कि तुम इधर बैठ के जो करना है करो, पूरे दिन भर मूवी देखते हैं कैसे, मतलब थकते नहीं है क्या? और इतनी जोर से चलाते, साउंड बॉक्स कनेक्ट करके चलाते, मेरा सर दुखता है इधर, मतलब बैठने लायक जगह है ही नहीं। जल्दी आ जाओ प्लीज, खाना खा लो। अभी बज रहा है, कितना बज रहा है? 12:15 बज रहा है। छी छी छी, मैं इतना लेट डिनर कभी नहीं करती, बिकॉज ये जो लेट डिनर करते हैं ना लोग, तो उसकी वजह से वेट गेन होता है। एक बार तो बंद करो फिर, साउंड का कम करो। बोला था अभी स्टार्ट मत करो। कोई बात नहीं, लोगों को तो सुनाना भी चाहिए ना कि तुम्हें मैं कोई मूवी में ऐसे साउंड होता है। ज़ॉम्बी तो तुम खुद ही हो, तुम तो खुद एक ज़ॉम्बी हो। तुम्हारा हेयर कट ज़ॉम्बी जैसा ही लग रहा है। ज़ॉम्बी का आर्मी बनाऊंगा मैं। तो क्या बोल रही थी, हाँ तो मैं लेट डिनर तो नहीं करती, मुझे 9 से 9:30 बजे के अंदर ही डिनर करना होता है, और उसी टाइम मुझे बहुत जबरदस्त भूख लगती है। आज तो बहुत लेट हो गया। ये लहसुन आपने अगर ट्राई नहीं किया ना, मटन जो करी बनाते हो उस टाइम ना, एक अक्खा लहसुन डाल देना, और प्रेशर कुकर में अगर सीटी भी लगाते हो तो उस टाइम ये लहसुन उसमें ही डाल देना, तो ये नरम हो जाएगा, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। वेरी हंग्री, अभी मुझे खाना है बस, कब सोएंगे नहीं पता, क्योंकि अभी खाना खा रहे हैं, फिर थोड़ी देर बैठ के वो और भी मूवी देखेंगे। पूरा दिन भर मूवी में लगे रहते, जब से नेटफ्लिक्स हुई जो ये सब सब्सक्रिप्शन लिया ना, उसके बाद पूरा दुनिया भूल गया, एक भी काम नहीं होता इनसे, एक भी। अगर कोई काम किया ना तो मैं उसको व्लॉग में शेयर करूंगी, और मैं उसकी इंतजार भी करूंगी ये कब थोड़ा घर का काम करेगा। शादी से पहले ये बताया था कि मैं ना तुम्हें हेल्प कर दूंगा, तुम्हें इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत, मैंने बोला था कि मुझे देखो इतना कुछ आता नहीं है, वैसे तो मुझे कुछ भी नहीं आता था खाना बनाने के अलावा, मैं हेल्प कर दूंगा ना, मैं हूं ना। अभी तो मुझे पता चल रहा है कितना काम करते हैं। ओके गाइस, और दुख की बात कितना बोले आप लोगों को, आप लोग भी दुखी हो जाओगे मेरे बात सुन के, तो अच्छा है कि यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टाटा, स्टे हैप्पी।